चित्कारण न्यूज से मैं आपकी एंकर अनन्या राणा आज बहुत ही अहम मुद्दा लेकर आई हूँ जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता, लेकिन हम यही मुद्दा लेकर आए हैं और आज बात करने वाले हैं ऑब्सेनिटी की और इस क्रिएटिविटी वॉयलेटिंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्पीच के बारे में। तो पहले हमारे साथ जो दो पैनलिस्ट है, आर्टिस्ट मिस आशिमा रायना एंड सोशल वर्कर मिस रिया कोहली। नमस्कार। तो बात करती हूँ ऑब्सेनिटी की। सो कोई भी पब्लिक फिगर, वीडियो, आर्टिकल और एनी पब्लिक एक्ट विच करप्ट्स द सोशल मॉरल स्टैंडर्ड्स इज कॉल्ड ऑब्सेनिटी। तो पूछते हैं हमारी दो पैनलिस्ट से कि इज क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग, व्हाट इज क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू यू? यस मिस आशिमा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अनन्या ने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और क्रिएटिविटी मेरे हिसाब से एक एक इट इज अ कला। इफ आई एम सॉरी, पार्डन मी फॉर माई थ्रोट। सो द थिंग इज, क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जिससे हम एक रॉ मटेरियल को, एक छोटे से दिमाग में चल रही सोच को या किसी भी टॉपिक को एक प्रोडक्टिव चीज में बदल देते हैं। और एक छोटी सी चीज जब एक बहुत ज्यादा मतलब टैलेंट से भरी हुई या ब्यूटिफुल थिंग, ब्यूटिफुल पीस ऑफ आर्ट में बदल जाती है, उस चीज को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। सिंपल भाषा में एक आर्टिस्ट के तौर पर मैं यही कहूंगी कि जब हम पेंट करते हैं या हम कोई गाना लिखते हैं, कंपोज करते हैं, उस टाइम पे जब हम एक छोटे से आइडिया को पूरे एक गीत में बदल देते हैं या पूरी पेंटिंग में या फिल्म में बदल देते हैं, उसे हम क्रिएटिविटी कहेंगे। यस। सो मिस कोहली, आप क्रिएटिविटी को किस नजरिए से देखती हैं? सो नमस्कार। मैं अनन्या जी के सवाल का उत्तर देते हुए ये बताती हूँ कि आजकल हर एक इंसान क्रिएटिव है। जब तक वो अपना स्किल, अपना इमेजिनेशन लगाता है, तब तक वो एक नई चीज़ को नया बना देता है, डिफरेंट तरीके से चेंज कर देता है, तब तक वो क्रिएटिव है। So according to you, MF Hussain case of 2008, where he painted a nude painting और बहुत से लोगों ने इसका विरोध किया था। So my question to you is it justified according to you, Miss Raina? Okay, so अगर हम MF Hussain साहब की बात करें तो you all might be knowing him because he's a public personality. And अगर हम उस केस की बात करें तो हाँ, मैं मानती हूँ कि वो न्यूडिटी थी या कुछ भी, जैसा भी लोग सोचते हैं, बट एक आर्टिस्ट के तौर पर वो उनका आर्ट था, जिस एक आइडिया को उन्होंने एक्सप्रेशन का फॉर्म दिया था, उन्होंने अपने छोटे से आइडिया को एक पेपर पर उतारा था और कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पसंद की गई थी। कुछ लोगों की सोच उसको लेके नेगेटिव होगी क्योंकि वो आर्ट समझ नहीं पाते, बट बीइंग एन आर्टिस्ट मैं ये चीज कहना चाहूंगी कि हर एक इंसान का नजरिया अलग होता है और हम आर्ट को आर्ट समझ के ही बनाते हैं या पब्लिसाइज करते हैं। लोग क्या सोचते हैं वो चीज मायने नहीं रखती, क्योंकि वो हमारे अंदर का टैलेंट है जो हम एक्सप्रेस करते हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे इस पर? कि अगर आम जनता में से कोई एक बंदा होता जिसने ऐसा कुछ किया होता, तो शायद उसको 3 साल की सजा मिलती ही मिलती, पर ये एक आर्टिस्ट थे तो इनको कुछ नहीं किया गया। इस जैसा कि मिस कोहली ने बोला, इस चीज पे मैं ये चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि अगर एक आम इंसान कोई आर्ट क्रिएट करता है और एक आर्टिस्ट एक आर्ट क्रिएट करता है, उन दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि एक आम इंसान को आर्ट की उतनी कदर नहीं है या पहचान नहीं है जितना कि एक आर्टिस्ट को होता है। उनके लिए वो शायद एक ड्राइंग होगी या एक हल्की सी पेंटिंग होगी, बट एक आर्टिस्ट के लिए उसके सारे एक्सप्रेशंस होते हैं, उसकी सारी इमोशंस, फीलिंग्स उस आर्ट के साथ अटैच्ड होती हैं। तो मिस कोहली, आप अपने स्टेटमेंट को कुछ एग्जांपल देना चाहेंगे सपोर्ट करने के लिए? जी हाँ, इस केस ऐसे केस में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट हाँ जो मेरे दिमाग में अभी चल रहा है वो था मिलन सोमन का, जो कि जिनको गोवा पुलिस ने अरेस्ट किया था क्योंकि वो गोवा के बीच पर बिना कपड़ों के घूम रहे थे। तो क्या वो उस टाइम वो जब पकड़े गए तो वो सही थे? उनका फोटो को पब्लिक करना या उनका फोटो को पोस्ट करना कहीं भी एक आर्ट के साथ लिंक नहीं है, वो क्रिएटिविटी नहीं है। हाँ, वो ऑब्सेनिटी है, बट उसका
आर्ट के साथ या क्रिएटिविटी के साथ कोई लिंक नहीं है, और आर्टिस्ट किस हिसाब से अपने आर्ट को एक्सप्रेस करता है और उन्होंने किस तरीके से या उन्होंने किस वजह से अपने फोटो को पब्लिसाइज किया, उन चीजों में शायद बहुत फर्क है। पर क्या आपने ये सोचा कि उसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बच्चों पर असर पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि आज आजकल का जो हमारा वी आर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, तो आजकल के जमाने में शायद शायद नहीं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सोच बदल चुकी है, बहुत मॉडर्नाइजेशन आ चुकी है, और अगर बच्चों पे गलत असर पड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का समय ही सबसे सही समय है जिस वक्त पे बच्चों को भी एजुकेट किया जाना चाहिए इन चीजों को लेके, ताकि उनको पता हो कि ये चीजें गलत नहीं है, पर इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ मैं एक और सवाल पूछती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की एक स्टेटमेंट थी कि आर्ट इज ऑफन प्रोवोकेटिव एंड इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन, कोटिंग दैट मिस्टर MF हुसैन केस, मटेरियल कैन नॉट बी लेबल्ड एज ऑब्सीन, सो डोंट यू थिंक दैट इट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मिस रैना? सेम एज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मेंशन कर दिया है कि हर एक इंसान का आर्ट को देखने का नजरिया, उसको क्रिएट करने का नजरिया अलग होता है। जैसे मैंने मिस कोहली की बात पे कहा था कि एक आम आदमी जब एक आर्ट क्रिएट करेगा और एक आर्टिस्ट जब एक आर्ट क्रिएट करेगा, उस पर बहुत फर्क होगा। और अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की, तो नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि वही चीज है कि हर एक इंसान की अपनी सोच होती है हर एक चीज को लेके। मैं एक आर्टिस्ट के तौर पर अगर कोई पेंटिंग पेंट करती हूँ, शायद वो किसी के लिए गलत हो, बट मेरे लिए वो सारे इमोशंस और फीलिंग्स के साथ जुड़ी है। एक एक छोटी सी पेंटिंग से, एक एक क्रिएटिव पीस ऑफ आर्ट से मैं पूरी कहानी बता सकती हूँ किसी इंसान की, तो मुझे नहीं लगता कि वो डिस्क्रिमिनेशन है। तो मिस रिया, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक डिस्क्रिमिनेशन है कुछ सोसाइटी के लिए? जी हाँ, मेरे को बिल्कुल लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि जो हमारी अभी की यंग जनरेशन जो आ रही है उन पर क्या प्रभाव जाएगा ये सब देखकर। और मेरे अकॉर्डिंग पनिशमेंट तो जब हर सबके लिए इक्वली होती है, ठीक है, तो अगर नॉर्मल जनता को ये चीज दी जाएगी तो क्यों MF हुसैन को क्यों नहीं दी गई? तो आप लोगों को क्या लगता है, आज का हमारा मुद्दा वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच को वायलेट करता है? मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि करता है, क्योंकि हर एक इंसान का, अगर हम जानते हैं आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में लिखा है कि हमारे पास फुल राइट है, हम किसी भी चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो आर्टिस्ट के नजरिए से उनका किसी चीज को एक्सप्रेस करने का या अपने फीलिंग्स इमोशंस को एक्सप्रेस करने का तरीका है थ्रू देयर पेंटिंग्स एंड देयर आर्ट। तो मुझे नहीं लगता कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वॉयलेट करता है, क्योंकि वो गलत है ही नहीं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, बस नजरिया अलग है हर चीज को देखने का। मिस कोहली, आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ये वायलेट करता है। माना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम टू एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू स्पीच का राइट देता है, पर ये नहीं बोलता कि अननेसेसरी कुछ भी बोलते रहो, और ये भी नहीं कहता कि उल्टा सीधा कुछ भी दिखाते रहो। तो हाँ, मेरे हिसाब से तो ये वायलेशन है ही है। तो ये थे हमारे दो पैनलिस्ट के विचार क्रिएटिविटी को लेकर। ये तो तय है कि हर एक इंसान क्रिएटिविटी को एक अलग नजरिए से देखता है। समय के साथ साथ क्रिएटिविटी के मतलब भी अनेक हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की सोच में बदलाव आएगा और देश उन्नति की ओर बढ़ेगा। वैसे ही जैसे गलत मानते हैं बूढ़े बुजुर्ग, गलत मानते हैं इन लोगों को, लेकिन आजकल के युवा इस चीज को सही मानते हैं। अब देखते हैं ये कि आने वाले वक्त हमारे विचारों में कितना ही बदलाव लेके आता है। थैंक यू।